सफेद वाला पक्का, वो ग्रीन वाला वो, अरे नहीं सफेद वाला जीतेगा। बाजू देखें, बाजू, अरे बाजू नहीं, आंखें देखो गोपी, आंखें आंखें, अरे लेकिन लड़ते लोग बाजू से रहे ना। हार जीत यहाँ से होती है, आंखों से, दिमाग से। गोपी जीतेगा ये सफेद वाला ही। लगी सा सोफी
तुम्हें किसी पे शक है? जी नहीं, और मेरा ख्याल है कि डायरी वक्त जाया कर रहा है, कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इतना भरोसा तुम्हें कातिल पर? भला क्यों? हाँ, उसके कत्ल करने का कोई मकसद नहीं था, मेरे भाई को कोई क्यों मारेगा? लेकिन कत्ल तो हुआ है और कोई ना कोई मकसद तो होगा उसके पीछे। क्यों आप नहीं चाहते कि कातिल पकड़ा जाए? मैंने ऐसा नहीं कहा। ओबरॉय साहब, दिनेश की किसी से दुश्मनी नहीं तो दोस्ती सही, किसी से खास दोस्ती यारी? उसके सब दोस्त छूट गए थे जब से उसकी सगाई हुई थी। सगाई? हाँ, एक लड़की से प्यार था उसे, रश्मि नाम है उसका, हमसे छोटे तबके की है, मिडिल क्लास, लेकिन हम भेदभाव नहीं रखते। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी और मैं समझ सकता हूं। मिस्टर सैम डिसिल्वा, मुझे अपने बेटे का कातिल चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर ओबरॉय, आपको वादा करना होगा। वादा करते हैं। कातिल का नाम तो मैं अभी बता सकता हूं। सोचिए इस कत्ल का क्या मकसद रहा होगा? पैसा। अब दिनेश की मौत के बाद जायदाद का वारिस कौन बनेगा? तुम्हारा मतलब है कि राकेश, मिस्टर ओबेरॉय का छोटा लड़का। अब घर में और बचा भी कौन है? तब तो ये बड़ी अजीब दास्तान है गोपी, कि एक आदमी कातिल को अपने साथ लिए घूम रहा और हमसे कहता है कि कत्ल की तहकीकात करो। बड़ी अजीब दास्तान है, ऑफ कोर्स। तो कातिल यही हो सकता है? कातिल यही नहीं हो सकता गोपी, कातिल ये भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, मैं भी वही कह रहा हूं। वही कह रहे हो हैं गोपी? यस, यू आर गोपी। पापा पापा, जो एलजेब्रा का वो जो इक्वेशन है ना, आएगा, मैं समझाऊंगा। बहुत ही दुख हुआ रश्मि जी, आपकी तो सगाई हो चुकी थी, थैंक यू, और शादी से ठीक पहले दिनेश का इस तरह खून हो जाना, इट्स रियली वेरी सैड, वेरी बैड। हमारी लड़की के नसीब में ससुराल का सुख शायद है ही नहीं। वो मंगलिक है ना, और लड़का मंगलिक नहीं था, शायद इसलिए ऐसा हादसा हुआ। नसीब? नसीब क्या होता है, जब होनी होगी हो जाएगी शादी। रश्मि जी, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती हैं, आपको हौसला रखना चाहिए। हौसला तो रखना ही पड़ेगा। ये देखो तुम्हारी भाई बहन कितने उदास हो गए, सब प्यार करते, बहुत प्यार करते रश्मि से। रश्मि जी, दिनेश के भाई राकेश को आप कितनी अच्छी तरह से जानती थी? जी अच्छी तरह। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब कैसे संबंध थे उनके, किस तरह का भाई था? बिल्कुल लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण? लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण। वो कई बार दिनेश के साथ यहां आया करता था, फिर तीनों साथ घूमने चले जाते थे, पर वो तो लक्ष्मण है लक्ष्मण। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं थोड़ा सा रश्मि के साथ अकेले में बात कर सकता हूं? प्लीज प्लीज।
प्लीज रिलैक्स. हाँ, आई एम योर फ्रेंड, रिमेंबर दैट, योर फ्रेंड. है वाह, क्या तस्वीर है, ये किसने खींची? दिनेश ने. दिनेश ने मुझे दी थी मेरी बर्थडे पे. तुम दिनेश को कब से जानती हो? 6 महीने से. उससे पहले तुम्हारा किसी से मेल जोल था? गलत मत समझो मुझे, हो सकता है कि कोई लड़का तुम्हें इतना चाहता हो और उसे जब पता चला हो कि तुम्हारे दिनेश से शादी होने वाली है तो वो इतना जल गया हो कि उसने दिनेश का खून कर दिया हो. नहीं, कोई नहीं था जो हमसे जलता हो. सब दिनेश से प्यार करते थे. Everyone loved him. वो खुशी थी, वो प्यार था, हर वक्त एक मजाक, डांसेस, पार्टीज. मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें परेशान किया. न जाने किसने उसका खून कर दिया. अभागन है वो तो, होता है किसी किसी के साथ. कहते हैं मंगलिक है इसलिए तो ये हादसे हो रहे हैं. शादी के 15 दिन पहले लड़के का खून हो गया. याद है पिछले साल भी शादी से 15 दिन पहले लड़के ने खुदकुशी कर ली थी. कौन कौन? अरे वही आता था ना गोरा गोरा सा, वही अशोक, अशोक चोपड़ा. लक्ष्मण, वो राकेश तो लक्ष्मण निकला. तुमने उन औरतों की बातें सुनी? मैं औरतों की बातें नहीं सुनता. रश्मि की शादी एक बार पहले भी होते होते रह गई. अच्छा, कैसे? जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, हाँ? शादी से 15 दिन पहले उसने खुदकशी कर ली. लेकिन आपको कैसे पता है सारी बातें? उन औरतों की बातों से. ओ, तो आज के बाद मैं भी औरतों की बातें सुना करूंगा. सुखी रहोगे. लेकिन वो लड़का था कौन? अशोक चोपड़ा नाम था उसका. अशोक चोपड़ा? लेकिन रश्मि ने सारी बातें हमसे छुपाई क्यों? उसकी फैमिली ने भी तो छुपाई. हाँ, मुझे लगता है कि बदनामी के डर की वजह से ऐसा किया होगा. हो सकता है. हमें रश्मि से इस बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए. नहीं नहीं नहीं, अब यह मौका ठीक नहीं है. कौन? अरे कौन है? अरे कौन है भाई? अरे रात को कौन आ गया जगाने, अच्छा भला मूड बना के सोया था. अरे गोपी तुम अब, अरे गोपी मैं तेरा खून पी जाऊंगा. अरे सैम तुम? इंस्पेक्टर भिंडे. हाँ जी. अशोक चोपड़ा तुम्हें याद है? कौन अशोक चोपड़ा? तुम ही उस केस के इंचार्ज थे. कौन सा केस? सुसाइड का केस था. कौन सा सुसाइड? कुछ नहीं, खुदकुशी का केस था. अरे किसकी खुदकुशी? अशोक चोपड़ा की खुदकुशी. टाइम क्या हुआ है? सुबह होने वाली है. देखो सैम, हाँ? मैं रात को देर से आया था, थका हुआ आया था, मुझे सोने दो. देखो पुलिस वालों को सोने का कोई हक नहीं है. याद करो अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी की थी, तुम उस केस के इंचार्ज थे पिछले साल. उसने खुदकुशी कहां की थी? जागो यार, याद करो खुदकुशी कहां की थी उसने. किसने? अशोक चोपड़ा ने. ग्रीन पार्क में. ग्रीन पार्क? हाँ, वो समुद्र के किनारे पे है, ऊंचाई पे है. कूद के खुदकुशी की थी. मुझे नींद आ रही है सच्ची में, मैं से बोला भी नहीं जा रहा, मुझे सोने दो. सुनो, कोई उसकी जेब से चिट्ठी मिली थी? नहीं, कोई चिट्ठी नहीं. कोई सुसाइड नोट? कुछ नहीं मिला. तुम्हें कैसे मालूम आ कि उसने खुदकुशी की है? किसी पे कोई शक नहीं था. शक नहीं था इसलिए खुदकुशी हो गई. क्या मालूम किसी ने उसको धक्का दे दिया हो. धक्का दिया जा सकता था कि नहीं? हाँ दिया तो जा सकता था. इसका मतलब है कि शायद खून हो गया हो. शायद खून हो गया हो. अरे भैया तुम बोलते हो तो हो गया होगा यार, मुझे सोने दो. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. गुड नाइट. अरे सुबह होने वाली है. सुबह नहीं, छोटा सा झूठ बोला था. अभी रात के 12:30 बजे. गुड नाइट. गुड नाइट. ए गोपी, मेरी नींद हराम करके तुम जाओगे कहाँ? अशोक चोपड़ा के बारे में पूछने आए थे, सुसाइड के बारे में पूछने आए थे. उसके लिए सैम माफी मांगता है यार. अरे अरे गोपी, वेरी सॉरी. तकलीफ फिर देंगे आपको जरूरत पड़ी तो. लेकिन रात को 12 बजे नहीं, नहीं सुबह. अरे गुड नाइट भिंडे. आराम से सोना. अरे काय का सोना यार, सारी नींद हराम कर दी तूने.
खाई है। तो यहां से कूद के अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी की होगी, मेरा मतलब है उसका कत्ल हुआ होगा। कैसे गोपी? नॉट टू वरी, लेकिन ऐसे हुआ होगा। ओबराय साहब, क्या आप ये जानते थे कि आपके बेटे दिनेश की मंगेतर रश्मि की पहले भी कहीं शादी तय हुई थी? उसका किसी और से भी रिश्ता था? जी, पर दिनेश ने कभी बताया नहीं। अशोक चोपड़ा उसका नाम था, और शादी से 15 दिन पहले अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी कर ली थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। हालांकि मैं समझता हूं कि वो भी खून था। खून? उधर शादी से 15 दिन पहले खुदकुशी और इधर शादी से 15 दिन पहले खून, अगर ये इत्तफाक है तो बड़ा अजीब सा इत्तफाक है। जिस दिन दिनेश का खून हुआ था उस दिन वो किसी से मिलने गया था? रश्मि से मिलने? एनी आइडिया कि रश्मि ने उसे कहां बुलाया था? रश्मि का कुछ मैसेज तो आया था, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो उससे कहां मिलने गया था। किसी पार्क में? पार्क में? यस, पार्क में। रेड पार्क? ना। येलो पार्क? ग्रीन पार्क। लेकिन आपको कैसे मालूम? अशोक चोपड़ा का खून भी ग्रीन पार्क के आसपास ही हुआ था, क्योंकि उसकी लाश वहीं मिली थी। माय गॉड, इसका मतलब है रश्मि ने खून की। प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजंस मिस्टर ओबेरॉय, इस वक्त सिर्फ शक ही किया जा सकता है। नहीं, लेकिन रश्मि की शख्सियत बड़ी अजीब सी है। वो हंसते हंसते रो पड़ती है, रोते रोते हंस पड़ती है। मुझे लगता है उसे कोई दिमागी बीमारी है। वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फांसती है, और लड़का जब पूरी तरह से फंस जाता है तो उसे एक मुकाम तक ले जाती है, और मुकाम पर ले जाने के बाद मार देती है। माय गॉड, अजीब लड़की है यार। घर से निकलती है, घूमती है, फिरती है, फिर घर वापस चली जाती है। मुझे बड़ा सदमा पहुंचा, दिनेश का यूं है। शट अप। या आई विल कम इन।
आपने मुझे बुलाया? बैठो। बहुत दुख हुआ मुझे दिनेश का यूं। Well, it's destiny. Well, it's destiny. रश्मि, जब मैं 19-20 साल का था ना, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। काफी कसरत की थी मैंने। तब से ये कंधे काफी मजबूत हैं। तो? अगर कभी सहारे की जरूरत हो, तो ये कंधा हाजिर है। मैं याद रखूंगी। You will? I will. Really? Really? Excuse me, sir. Yes, Geeta. मैं बाद में आती हूँ। तुम कुछ उदास हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम उदास हो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारे मन में झांक कर कह सकता हूँ तुम उदास हो। चलो आज कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं मिस्टर मेहता, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। यू विल चीयर अप। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देन लेट मी वॉर्न यू मिस्टर मेहता, जो मेरे करीब आता है अपनी जान गवा बैठता है।